You can go with us. We are going. Okay, okay, sure. Okay, what are you doing? You are studying? Yes, I am in college. तो मैं नौवीं पहुंच चुका हूं, जैसे आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है यहां का। यहां पर क्या पता है क्या है, जैसे हमारे इंडिया में होता है लाइक एक ही बस स्टैंड होता है, वहीं पर आकर बस रुकती है, वहीं से आप चढ़ जाते हैं। यहां पर सिस्टम लग गया यार, यहां पर दो बस स्टैंड होते हैं, जहां यहां पर आकर बस रुक गई तो यहां पर जो पैसेंजर होते हैं वो लाइक उतर जाते हैं, जब ये बस जाएगी तो दूसरे पर जाएगी जहाँ से पैसेंजर चढ़ेंगे बस में, तो उसके लिए आपको टिकट बाय कर टोकन चाहिए। उसमें कोई ऐसे एंटर नहीं हो सकता लाइक जिसने जाना नहीं कहीं भी, ऐसे ही दोस्तों को मिलने चला गया। तो रास्ते में यार काफ़ी अच्छा व्यू था, जो सूरजमुखी के खेत थे और मक्की के खेत थे, काफ़ी अच्छा व्यू मैंने देखा। और काफ़ी यार गर्मी है, तो ये भी मे भी ट्रैवलर हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी, तो इन्होंने भी मेरे जैसे बड़े बड़े बैग उठाए। पहले मैं यहाँ पर बैठता हूँ, कोई हॉस्टल फाइंड करता हूँ, तो आज मैं हॉस्टल में स्टे करूँगा। यहाँ पर मैं 2 घंटे पार्क में बैठा रहा, मैं प्लानिंग करता रहा, हॉस्टल फाइंड किए, कोई भी हॉस्टल मुझे नहीं मिला यार। होटल काफ़ी कॉस्टली है, मे भी 10,000 का है पर नाइट का। तो मेरे साथ ही में राइट हैंड साइड मैकडोनल्ड है, तो आप यहाँ पर खा भी सकते हैं। जो नौवीं साड है ना, ये काफ़ी बड़ी सिटी नहीं यार, तो मैं जा रहा हूँ यार स्टेट कहीं सेंटर में जाऊँगा, देखूँगा कोई प्लेस। तो लगता आज मुझे कैंपिंग करनी पड़ेगी, मुझे कोई होस्ट मिला नहीं, होस्ट तो मुझे मिला था तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कोई लाइक रुका हुआ है तो डिफ़िकल्ट हो गया। तो कोई बात नहीं यार, ट्रैवलिंग एडवेंचर है, तो अब कैंपिंग करेंगे आज यार और घूमेंगे। यहाँ पर कोई काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है यार, उसकी वजह से काफ़ी जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कोई बात नहीं यार, ऐसा तो चलता है। तो हम 3 किलोमीटर चलना है मैंने स्टेट, वहाँ पर देखेंगे कोई अगर जगह मिलता है प्लेस। तो काफ़ी जाम लग गया यार हम पे, देखो काफ़ी स्टोर है बड़ा, मे भी शायद कोई स्टोर है, और ये फुटपाथ है इस पर मैं जा रहा हूँ। काफ़ी टावर्स हैं यार यहाँ पर, लाइक एक साइड पर रोड है। तो यार अगर आप नौवीं साड आ रहे हो ना, या कहीं भी घूमने जा रहे हो, पहले आप फाइंड करो आपने रहना कहाँ पर है। तो अगर नहीं कुछ मिला तो हॉस्टल बुक करो, अगर हॉस्टल भी बुकिंग नहीं हुई तो कैंपिंग के लिए भी आपको प्लेस ढूंढना पड़ेगा, और अगर आप शहर घूमना चाहते हो तो आपको लगेज भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी यार लॉकर्स होते हैं बड़े बड़े शहरों में। मैंने फाइंड किया गूगल पर लेकिन मुझे मिला नहीं, और सिटी में है था, बेलग्रेड में लॉकर थे, तो बेलग्रेड में मैंने क्या करना है, लॉकर तो मुझे नौवीं साड में चाहिए ना है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्कॉडा देखो, BMW खड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको खरबूजा देखने को मिल जाएगा, पीछे मेरे भाई साहब बेच रहे हैं खरबूजे, और तरबूज भी, तरबूज तो यहाँ पर यार लाइक 10-10 kg के होते हैं, इतने बड़े बड़े, पर काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने कल खाया था और काफ़ी खूबसूरत है शहर, लेकिन आज जो गर्मी है काफ़ी है तो इसलिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नोवी साड, जो सर्बिया की सेकंड बिगेस्ट सिटी है, जो बेलग्रेड से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, नियर अबाउट 90 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है #नोवी साड। तो बहुत अच्छी सिटी है यार, शाम का वक्त है और मैंने अपना जो लगेज था वो वहाँ पर रख लिया, क्राउड देखो कितना है। तो यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है, यहाँ पर सामने कोई मॉल वगैरह है। तो अब हम चलते हैं बीच पर, यहाँ पर फेस्टिवल भी है, फेस्टिवल मैं आपको कल को दिखाऊंगा, आज आपको बीच का व्यू मैं इंजॉय करवा दूँ। और एक यहाँ पर स्ट्रीट है, ग्रेफ्टी स्ट्रीट है, जहाँ पर ग्रेफ्टी बहुत अच्छी की हुई है, वो रास्ते में आएगी। तो यार अब शाम का टाइम हो चुका है, तो यार सूरज भी जो छिप चुका है, मैं छिपा नहीं क्लाउड्स आगे, तो मैं जा रहा हूँ। मेरे लगेज देख लो कितना है, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे तो है नहीं कि मैं अपना लगेज कहीं पर रख दूँ और चला जाऊँ। और यहाँ पर ऐसी साथ साथ में आपको स्टोर मिल जाएंगे अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो लाइक कोक, तो पर यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली मिलेगा यार। जो मैंने बस स्टैंड से वाटर की बॉटल बाई की थी 1.5 लीटर की, वो मैक्सी स्टोर से नियर अबाउट 26 रुपीज़ की मिल जाती है, तो मुझे कितने मे बी 12 times more pay करना पड़ा।
तो यार ये जो मैप है ना इस साइड दिखा रहा है जो ग्राफ्टी स्ट्रीट है, मैं इनसे पूछता हूँ, मोहतरमा मेरे साथ जा रही है। एक्सक्यूज मी, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? वेयर इज ग्राफ्टी स्ट्रीट? ग्राफ्टी स्ट्रीट, maybe this one. तो ये मुझे हेल्प कर रही हैं, ये सर्च कर कर बता रही हैं। मैंने वैसे तो इनको बता दिया कि मुझे ग्राफ्टी स्ट्रीट पे जाना है, दिस वन लाइक दिस आर्किटेक्चर स्ट्रीट। यू कैन गो विद अस, वी आर गोइंग। ओके ओके श्योर ओके, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्टडीइंग? Yes, I am in college. In college? Oh, that's great. What are you doing in college? Like, in which stream? Science? My major is programming. Programming, wow, hacking. And hers is chemistry. I love hacking. And also programmers. So, ye mujhe lekar ja rahi hain, mujhe batayengi. So, main se kuch baat chahta hu. I am from India. This way. Okay. I am from India. India. Nice. Yeah. Traveler and exploring all Serbia. Why Serbia? Yeah, because Serbia is so beautiful. Before that, I explored all Russia. तो ये कह रहे हैं कि भाई तू सर्बिया क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अपना देश किसको अच्छा लगता होता है यार, लाइक मुझे तो लगता है इनको नहीं लाइक लगता सर्बी। दिस साइड बीच, यस सर। ओके सो हमारा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे। तो अब हम पहुंच गए यार, जो लाइक ग्राफ्टी स्ट्रीट है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, साथ ही में बीच है। लाइक यार यहाँ पर तो कॉमन है, लेकिन इंडिया में ये सब कॉमन नहीं होता, लाइक ग्राफ्टी डिज़ाइनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सॉन्ग सूंग में आपने देखा होगा कि ऐसे एक्शन करते हैं वो ग्राफ्टी के आगे खड़े होते हैं, ये सारी स्ट्रीट पर ग्राफ्टी है। तो ये ग्राफ्टी स्ट्रीट है, हमारे इंडिया में तो कॉमन नहीं होगी, यहाँ पर तो ये कॉमन सी होगी। आप यूरोप में कहीं पर आ जाओ या अमेरिका चले जाओ, आपको यहाँ पर ये कलाकृति मिल जाएगी यार, लाइक ऐसे जो बॉल होती हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे, मैंने देखनी थी। अब हम यहाँ से चलेंगे, बीच बीच साथ में ही है, उसके साथ ही जाती है स्ट्रीट। ब्यूटीफुल, ये देखो यार ग्राफ्टी कितनी अच्छी है, लाइक पेंसिल है और हाथ है, तो ये उससे भी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी यार ग्राफ्टी यहाँ पर बनाई गई है। थैंक यू। तो हम टिकट बाई कर ली यार, यहाँ पर जो ये बीच टाइप है ना यार, बीच पर जाने के लिए बीच ही है, तो टिकट लगती है 50 रुपीज़ की, यहाँ से आपको बाई करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, मेरे पसीने पसीने हो गया। तो हम बीच की तरफ एंटर हो गए हैं, व्यू काफ़ी अच्छा है यार, यू कैन सी जो ये फ्लाई ओवर जा रहे हैं ऊपर की तरफ से, और इसके जो नीचे बीच है, नदी जा रही है, देखो यहाँ पर काफ़ी लाइक क्राउड है, मुझे लोग ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं भी, ये क्या पागल, इतने दो बड़े बड़े बैग उठाई फिरता है बीच पर, कौन बैग लेकर आ। चलो कोई, तो मैं बीच पर पहुंच चुका हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है यार, शाम का टाइम हो गया, तो शाम को थोड़ी सी जो गर्मी होती है वो काफ़ी घट जाती है, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं देखो, और इस साइड भी वो सामने व्यू देखो यार कितना अच्छा है। मैंने मेरे बैग वहाँ पर रख दिए, नहाने को दिल कर रहा है यार आज तो सच्ची में, लेकिन नहा नहीं पाऊँगा यार, क्योंकि टेंशन रहेगी कोई बैग ना उठा कर ले जाए, अकेला हूँ ना। बाकी देख आप देख सकते हैं कुत्ते को भाई बीच पर लेकर फिर रहे हैं ये लोग, वाह सो ब्यूटीफुल यार, पानी काफ़ी, पानी भी साफ़ है इसका, रिवर का। ये यहाँ पर लगाया गया, अभी इससे आगे नहीं जाना, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। यार कंकर है पानी में, तो चुभ रहे हैं वो पाँव में, उस साइड काफ़ी क्राउड है यार, सकते हैं आप
आप यहाँ पर खा पी भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी रेस्टोरेंट हैं इस साइड, डीजे चल रहे हैं, आपको म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा। इस साइड लाइक केयर सिटी का व्यू है और ये ब्रिज है, काफ़ी अच्छा यहाँ से दिख रहा है। सो यू कैन सी गाइस, काफ़ी अच्छा है यार व्यू देखो। रिलैक्स फील हो रहा है यार, इतनी लाइक ठंडी ठंडी हवा पानी में, पानी के बीच से होकर जब लगती है ना तो यार रिलैक्स हो जाता है इंसान। तो इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर काफ़ी। लोग लाइक सम देखो, जो जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, वो देखो, वाह वाह यार, मुझे स्विमिंग नहीं आती लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग आती है, तो ये बेइज्जती होगी यार, सीखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी स्विमिंग आपको, क्या और भी ऑप्शन है। ये सेट है दोस्तों, इसके पांव फिसल रहे हैं, इससे सही से चला भी नहीं जा रहा क्योंकि इन्हें काफ़ी अल्कोहल कंज्यूम किए आई थिंक। तो मैं बीच से आ गया था यार, मैं जा रहा था, तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्रिप एडवाइजर ऐप डाउनलोड करनी है, नोवी साड की लोकेशन डालनी है, उसके बाद आपको फ्री में मिलेगा आपको, मैं और भी बताता हूँ क्या कुछ मिलेगा। तो भाई आज इंस्टाग्राम काम आ गया, मैंने इन्हें दिखाया कि मैं यूट्यूबर हूँ इंस्टाग्राम, तो ये मुझे पिज्ज़ा भी फ्री में दे रहे हैं आप, कहते हैं कि हमारी स्टोरी डाल दे, कोई चक्कर नहीं, हमें तो खाना है यार फ्री में, और साथ में पिज़्ज़ा, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार भी, क्या इन्फ्लुएंसर की वैल्यू है यार फॉरेन कंट्री में, कभी लाइक ऐसे प्रमोशन नहीं मिली मुझे कभी इंडिया में इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मिल गई, मैं इंस्टाग्राम की भी पावर तो है। मैकडोनल्ड में आ गए दोस्तों, तो हमारी रात आज इसके बाहर ही कटने वाली है, मैं कैंपिंग करूँगा वहाँ पर, कैंप लगा कर सोऊँगा, तो मैं यहाँ पर जस्ट फॉर लाइक अपना फेस वॉश करने के लिए आया था। तो यहाँ पर भी आप लाइक इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर आपको वाईफाई मिलेगा और आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, वॉशरूम भी मिलते हैं, बाकी ये सेफ़ भी होता है क्योंकि 12-1 बजे तक ये ऊपर रहता है, देख सकते। तो मैं यहाँ पर ही कहीं पर कैंप लगाने वाला हूँ, इस साइड जाऊँगा मैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्रीज हैं यार। तो ये यहाँ पर मैकडोनल्ड का ड्राइव थ्रू है इस साइड, तो यार वो टेंट में आ चुके हैं, टेंट लगा लिया, आज की रात यहाँ पर ही गुजरेगी। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, देख सकते हैं आप, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।